हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। अभी आप सुबह हो चुकी है, हमारा आज से ये ब्लॉग कंटिन्यू है। गुड मॉर्निंग। अदरक या इलायची वाली चाय? इलायची। आपको अच्छा ही लग रहा? खुशी अच्छा है? भी अच्छा ही लग रहा? खा के तो देखो, ट्राई तो करो। हाँ, अंदर किमी किमी है, बहुत अच्छी अच्छी वाली। तो ये एकदम सुबह सुबह का वक्त है और मामी साहब को मम्मी राखी बांध रहे हैं, मामा को भी राखी बांध रहे हैं क्योंकि इनको स्कूल निकलना है। मामी साहब मेरी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, मामा प्रिंसिपल है बायतू में। और इनकी राखी बांधने के बाद बच्चों को भी राखियाँ बांधनी क्योंकि फिर हमें यहाँ से जल्दी निकलना भी था। तो फिर हम लोग नहा के रेडी होके खाना खा के हम लोग निकल चुके थे और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे मामा का जो नया घर बन रहा है वहाँ, वो देखने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक एक बार भी देखा नहीं था उसे, कितना बन गया क्या नहीं। और ये है अभी जो ये जहाँ एट प्रेजेंट रह रहा है उसका बैक व्यू, तो बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम था, शायद 9 बज रहे होंगे या 9 के आसपास। और बस अब फिर पीहू को नहलाने का जतन चल रहा है, वो रो रही थी और खेलने में इतना मगन थी ना बच्चों के साथ कि उसको नहाना ही नहीं था। चीनी गानी पड़ी। चीनी गानी। चीनी। चीनी। गाँव जाना है ना? गाँव नहीं जाना? आपके तो पैर ही नहीं आ रहे। आ रहे, घूमो फिर उधर चलो। मैं ध्यान तो इसमें कैसा लग रहा है आपको? शर्म से आके झुक गई क्या? है? आपको भी आता है? करके देखो। अरे ऊपर हाथ देगा। क्लैपिंग। हाँ, पीयू की टर्न है। हाँ मेरे थोड़ा छोटा लाना पड़ेगी, तो बड़ा है इसलिए। बस फिर बच्चों के खेल वेल चल रहे थे, खाना वाना खाया और हम लोग निकल गए मामा का घर देखने के लिए यहाँ से। और वो जस्ट पास में ही था, इतना कुछ दूर नहीं था। मावी नगर में उनका जो नया वाला घर बन रहा है हम लोग उसकी तरफ चले गए थे। और 2 फ्लोर तक बन चुका है और अभी तक उसकी सीलिंग मतलब छत बाकी है डलनी दूसरे फ्लोर की। तो अभी घर बन रहा है, मतलब बहुत सारा काम बाकी है फिनिशिंग का और ये सारा कुछ काम बाकी है। अब तो अभी तक तो सिर्फ चिनाई चिनाई हुई है और सेकंड फ्लोर की तो अभी तक छत भी नहीं डली है, तो काफ़ी काम बाकी है। और जब भी घर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग आएंगे मकान के मुहूर्त पे, तब आपको घर का पूरा अच्छे से टूर करवाएंगे। बहुत ही सुंदर घर बनाया है मामा ने, बहुत ही अच्छा घर बनाया है। तो पूरा घर ये RCC के पिलर्स और RCC के ही बीम्स लगे हुए हैं इसमें और लाल वाली ईंटों की चुनाई की हुई। ये घर आजकल काफ़ी मजबूत रहते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ईंटों की चुनाई से क्या है कि इसकी थिकनेस वॉल की काफ़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू जो पत्थर की दीवारें होती हैं। तो इस थिकनेस की वजह से हमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, रूम्स में काफ़ी बड़े बड़े स्पेस दिख रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है इसकी चुनाई करवाने से। और इनके घर के आगे से ट्रेन निकलती है, तो अभी तो शायद इनको बहुत अटपटा लग रहा होगा लेकिन टाइम के साथ। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और अब कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं आगे। अच्छा, सब लोग मेरा ध्यान रखेंगे थोड़ी देर। आ तो लाओ नहीं गाड़ी। अच्छा आओ आओ, हेलो। और ये है मेरे पापा का ऑफिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर भवन, जो कि मावी नगर में बना हुआ एकदम नया अभी ऑफिस बना। जब तक हम लोग बाड़मेर में थे तब तक तो ये यहाँ पे नहीं बना हुआ था, खाली ज़मीन थी, राय कॉलोनी में था। और ये हमारे जस्ट घर के आमने सामने हमारे घर से दिखता है, तो तब होता तो बहुत पास रहता। और इसी कॉलोनी में हमारा घर भी है। ये है हमारा घर जो मैं इसको बहुत मिस करती हूँ ऑब्वियसली बहुत, क्योंकि हमारा पूरा बचपन इसी घर में निकला है।
और अब हम आ चुके हैं ऐसे जगह पे जहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम बाड़मेर आए थे, मतलब मैं पहली बार बाड़मेर आई थी जब मैं 8 महीने की थी, तो इसी घर में आई थी और ये राय कॉलोनी में है। तो इनसे हमारा रिलेशन इतना है कि हम लोग 30 साल हो गए होंगे आराम से, 30 साल से हम लोग इनको जानते हैं और हमारे आज भी रिलेशन वैसे ही हैं जैसे पहले दिन थे। और मम्मी और ये बताते हैं कि जब हम ये घर छोड़ के हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे तब पड़ोस वाले लोग भी कह रहे थे कि अरे क्या हो गया आपका बेटा बहू घर छोड़ के कैसे जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं क्या। तब इन्होंने बताया कि वो हमारे बेटा बहू नहीं थे, वो हमारे टेनेंट्स थे, हमारे किराएदार थे। तो मतलब इस टाइप का रिलेशन था, कभी ऐसे किराएदार जैसी फीलिंग नहीं थी, बस रहता। हालांकि रूम हमने एक ही रेंट पे ले रखा था लेकिन हम पूरे घर में एक साथ ही रहते थे, खाना साथ में, चाय साथ में, उठना बैठना सब साथ में। तो वो भैया दीदी थे वहाँ पे, तब उन्होंने बहुत खिलाया था मुझे। अब तो हालांकि उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनके बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं और अंकल आंटी भी मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं। आंटी को तो मैं आंटी कहती हूँ और अंकल जी को मैं ताऊ जी कहती हूँ क्योंकि वो हमारे गाँव से है ना। नमस्ते नमस्ते आंटी जी। अरे ये कौन और यही वो रूम है जहाँ पे मतलब हम लोग रहते थे। तब तो इतना एक्चुअली नहीं बना हुआ था, ये अलमारियाँ वगैरह वार्डरोब्स वगैरह नहीं थी, ऊपर ये पीओपी नहीं थी, नीचे सीमेंट का फ्लोर था। अब तो इन्होंने मतलब पूरा घर रेनोवेट करवा दिया और पूरा घर एकदम नया बन चुका है, मतलब पूरी शक्ल ही चेंज हो चुकी है घर की। तो यहाँ पे रहते थे, एक रूम था, मतलब उस टाइम फर्स्ट टाइम हम लोग बाड़मेर आए थे, मतलब पापा मुझे और मम्मी को लेके आए थे और तब इतना सामान भी नहीं था और एक रूम भी खैर उस टाइम के लिए तो बहुत बड़ा था और पूरा वैसे पूरे घर का एक्सेस हमारे पास था कि कोई भी गेस्ट आते तो वो वहाँ सो जाते या हम लोग वहाँ सो जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये ही रूम तुम्हारा और इसके बाहर तुम कदम नहीं रखोगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं था। और ये वैसे ही है और यहाँ से ये रास्ता था बाहर से गेट और बाहर से यहाँ से एग्जिट। तो बस अब आंटी जी चाय बना रहे थे और हम लोग बैठे थे, हम भैया स्कूल थे आए नहीं थे और दीदी ऑब्वियसली ससुराल थी, उनको भी हमने कॉल किया कि आ जाओ बातें करते लेकिन वो सो रहे थे, उन्होंने कॉल्स नहीं अटेंड किया। और भाभी जी जो हैं वो भाभी अपने पियर गए हुए हैं, तो बस आंटी और ताऊ जी घर पे थे। चाय नहीं पीते ना, गंदी बात होती है ना, गप्पे लड़ आप तो कभी भी नहीं पीते। खाना पड़े जरूर। और ताऊ जी आ गए हैं, कहीं बाहर गए हुए थे और मैंने उनसे खूब बातें की, इन्होंने मुझे मतलब छोटी थी तब खूब खिलाया, खूब बुद्धू बनाते थे, खूब पागल बनाते थे मुझे। मतलब एक ऐसा कुछ पोस्टर लगा हुआ था जिसमें कुछ बना हुआ था, तो मुझे कहते थे कि ये भूत बाबा है, इसके आगे हाथ जोड़ के बैठ, ये तुझे पैसे देंगे। तो मैं आईज क्लोज करके बैठ जाती थी और मेरे हाथ में एक कॉइन रख देते थे, तो मुझे लगता था यही मुझे पैसे देते हैं। और ये सब लोग मतलब आंटी जी दीदी वगैरह सब लोग मेरी शादी में आए थे, पूरे 3 दिन तक रुके थे, सारे फंक्शंस अटेंड किए थे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी रिश्ता हो तो हमारे मतलब रियल ही होना चाहिए, कुछ तो मतलब निभाने वालों पे डिपेंड करता है कि आप कितना निभाते हो और कैसे निभाते हो, वरना नहीं चलने वाले तो सगे भी नहीं चलते और चलने वाले बस ऐसे ही चल जाते हैं। तो बस आई होप कि हम हमेशा ही ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही साथ रहें। और पीयू तो हालांकि पहली बार आई थी लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बिहेव कर रही थी कि मैं नई जगह पर, वो पूरे घर में नाच नाच के घूमी और सब चीज़ें देखी उसने। आप चाबी छुपा दो, नानू के पास एक बाबा है जो पैसे देता है पता है, मुझे भी खूब पैसे मिले थे, मैं छोटी थी ना, जादू का तंत्र। मम्मी है ना, इसको मैंने खूब पैसे दिए, छो मंत्र जादू का तंत्र। आपको कॉइन चाहिए? कॉइन बहुत सारे कॉइन ये नानू देते हैं, ये नानू देते बहुत सारे।
और फिर हमने लंच किया, आंटी जी ने लंच बना दिया था फटाफट से और कुछ पहले से प्रिपेयर कर रखा था क्योंकि हमने फ़ोन कर दिया था, तो हमें खूब टाइम मिल गया था बातें करने के लिए। और फिर हमने चाय पी शाम की और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए एक और जगह पे, जो भी हमारे एक्चुअली रियल तो नहीं लगते लेकिन दे आर ऑल्सो मोर देन रियल, मतलब वो भी मेरे मासी और मासू जी लगते हैं। हम लोग उनसे मिलने के लिए चले गए क्योंकि जब हम यहाँ पे रहते थे तब से हमारे उनसे रिलेशन है और आज तक उनसे वही रिलेशन है। और ये है उनका घर, और यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए एज मैं वहीं पे करते जहाँ पे सब कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और इनके घर में कुछ और भी गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने सोचा अच्छा नहीं लगता है रिकॉर्ड करना। तो दीदी भी आ गए थे, मतलब जो कि मासू जी की डॉटर है उनका भी घर सामने की तरफ था, तो दीदी भी आ गए, जिया जी भी आ गए थे, तो इन सबसे भी मिलना हो गया था। तो काफ़ी टाइम से मिल रहे थे, मतलब मेरी शादी में हम लोग सब अच्छे से मिले थे, मेरी शादी में ये लोग आए थे, मतलब समझ लो कि फर्स्ट फंक्शन होता है ना घी पिलाने से लेकर विदाई तक, तो सोच लो हमारे कितने क्लोज रिलेशन है होंगे इनसे। तो तब से मतलब सारे इवेंट सब लोगों ने अटेंड किए थे, मतलब मासी ने, मासू जी ने, बच्चों ने, दीदी ने, सब ने, तो हमारे इतने इनसे अच्छे रिलेशन है। और यहाँ पे मैंने वैसे भी ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए थे। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग रात हो गई थी आते आते और ये हम आ चुके हैं ताऊ जी के घर पे, और ऑलरेडी यहाँ पे ये लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, मतलब मेरी बात हो चुकी थी कि हम लोग आएंगे, तो इन्होंने प्रिपरेशन कर ली थी काफ़ी कुछ। और यहाँ पे कैट्स थी, यहाँ पे इनके जस्ट जो पास में रहते हैं उनके यहाँ पे दो कैट्स डॉग, मतलब बहुत सारे इन्होंने पाल रखे हैं। तो पीयू तो बस पागल हो चुकी थी उसको, मतलब बोलते हैं ना कि सारी जन्नत मिल गई थी यहाँ पे, और इसको मतलब इसकी ये जो सॉफ्ट टॉय वाली नहीं होती कैटी, बस वो इसको इतनी प्यारी कि उसको साथ लेके सोती है, तो उसको एक्चुअल मिल गई है तो समझ लो उसको भगवान मिल गए। तो बस वो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मतलब रात को जब सो रही थी मैं उसको सुला रही थी तब भी मुझे बोले मामा हम कैटी को साथ ले जा सकते हैं क्या, तो मतलब उसका इतना इसके पीछे माइंड ख़राब था। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा, और इसका कंटिन्यू व्लॉग अब नेक्स्ट आएगा बिल्कुल मज़ेदार होने वाला। हम लोग जो बाड़मेर में बहुत सारी जगहों पर घूमने भी वाले हैं, तो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टेक केयर, बाय बाय।